हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं एक और वीडियो लूसेंट का। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे एक्साइटमेंट एंड एंगर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे द सडननेस ऑफ सूरत फियास्को से। ठीक है, देखिए हुआ ये था कि 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया। सूरत स्प्लिट हो गया मतलब ये हुआ कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मॉडरेट्स के जो टेक्निक्स थे उससे एक्सट्रीमिस्ट लोग जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपने रास्ते चलिए हम अपने रास्ते चलेंगे। लेकिन ये जो स्प्लिट हुआ ये दिस ऑफर्ड देयर कोऑपरेशन टू द वर्किंग कमिटी ऑफ कांग्रेस बाय एक्सेप्टिंग प्रेसिडेंटशिप ऑफ रास बिहारी घोष, बट द मॉडरेट्स वुड नॉट रिलेंट एज दे फाउंड देमसेल्व्स ऑन द फर्म ग्राउंड। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑब्जर्विंग, अब ये क्या हुआ कि द गवर्नमेंट ऑब्जर्विंग द अपॉर्चुनिटी लॉन्च द मैसिव अटैक ऑन एक्सट्रीमिस्ट। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए तो गवर्नमेंट ने सोचा ये अच्छा मौका है, लोहा गर्म है, चोट मार देते हैं। मतलब कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में जो जो भी लीडर्स हैं उनको फंसा लेते हैं और उनको जेल वेल भेज देते हैं। ऐसा ही हुआ भी, क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने अपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा था, उस आर्टिकल की वजह से उनको जेल भेज दिया गया, सेंडिंग हिम टू मंडले जेल, बर्मा में है, और 6 साल का इम्प्रिजनमेंट मिल गया इनको। द एक्सट्रीमिस्ट वेर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज। अब जब ये चले गए ना बेचारे बाल गंगाधर तिलक, इनके जाने के बाद एक्सट्रीमिस्ट का जो ये बेंच था वो लड़खड़ा गया और इसके बाद ये दोबारा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए अपनी पार्टी को। द एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव पार्टी सस्टेन द मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और इसीलिए अरविंदो घोष ने पॉलिटिक्स छोड़ दिया और पॉन्डिचेरी चले गए। बिपिन चंद्रपाल भी पॉलिटिक्स टेम्पररीली छोड़ दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ देखते हैं क्या हुआ। फिर देखिए आफ्टर 1908 द नेशनल मूवमेंट डिक्लाइन। अब 1908 के बाद क्या हुआ, जो मेनली एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो थोड़ा रेडिकल रेडिकल तरीके से मूवमेंट स्टार्ट किए थे और थोड़ा फोर्सफुली थोड़ा बायकॉट वगैरह से, जिससे कि ब्रिटिशर्स पे थोड़ा असर भी पड़ा था, वो सब अब ठप हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है द फेमस मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ, 1909 में इंट्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन लॉर्ड मिंटो वाज द वायसराय। तो मिंटो जो है ये वायसराय था और मॉर्ली था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक, इसमें क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को देगा। मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, हिंदू कैंडिडेट नहीं, उस मुस्लिम कैंडिडेट के लिए हिंदू वोट नहीं करेगा, सिर्फ मुसलमान ही वोट करेंगे। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला अटैक जो किया था, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, उसमें पहला अटैक था बंगाल डिवीजन, जो अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक मैसिव अटैक था इंडिया के यूनिटी पे, हिंदू और मुसलमान को एक साथ जो लड़ाने का काम उन्होंने शुरू किया था इसी बंगाल डिवीजन से किया था, कि एक रहेगा ईस्ट बंगाल और एक रहेगा बंगाल। बंगाल ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा थी, 18% के आसपास मुसलमान थे इसमें, और दोनों की पॉपुलेशन लगभग एक जैसी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और इस वजह से हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं। पर आप समझ रहे हैं ना क्यों किया उन्होंने, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने के लिए। शुरुआत उनने की थी और आज हम उसको बड़े ही प्राउड तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम हिंदू वो मुसलमान, हमारा धर्म ये उसका धर्म वो, किसी को ये फर्क नहीं पड़ता कि हम सब क्या है, हिंदुस्तानी है। और उस टाइम भी अगर नहीं पड़ता, देखिए 1905 से पहले, या मैं ये कहूँ बंगाल डिवीजन के बाद भी यूनिटी बहुत तगड़ी थी। नेशनल मॉर्न डे मनाया गया था, नेशनल मॉर्निंग डे मनाया गया था। ये वो मॉर्निंग नहीं है सुबह वाला, मॉर्निंग मतलब MORNING, इसका मतलब होता है कि दुख, दुख का दिवस मनाया गया था। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के हाथ पे रक्षाबंधन की राखी बांधे थे। तो इस तरह से इतना ज्यादा यूनिटी था उस टाइम में कि ब्रिटिशर्स को तोड़ने के लिए स्टेप लेने पड़ते थे। अब तो बस कुछ एक बार बोल दो और तुरंत जो है हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू हो जाता है। तो उसके बाद ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप आया 1909 में, जब इन्होंने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म खेला। ठीक है, ये गेम ही है जो वो लोग खेल रहे थे। टू अचीव द लेटर ऑब्जेक्टिव द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द सेपरेट सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट अंडर विच, बता दिया, दिस वाज डन टू इनकरेज द नोशन दैट द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वेयर सेपरेट एंड नॉट कॉमन। यही लाइनें जो है ना, ये सब लाइनें डिवीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई उन लोगों के लिए, कि इनके गोल सेम नहीं है, इनके रहन सहन सेम नहीं है, इनके तरीके सेम नहीं है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट सेम नहीं है, अलग अलग है। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स आर हाउएवर दिस, ऑब्वियसली इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो थे मॉडरेट्स, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट तो अब लगभग लगभग खत्म ही हो गए थे, खत्म क्या हो गए थे, शांत हो गए थे, तो मॉडरेट्स जो थे उनको भी ये चीज पसंद नहीं आया। ठीक, इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक आया, क्या, होम रूल, होम रूल मूवमेंट। तो ये कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बना देता है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इसका कम करता हूँ,
बस बस अब सही है। देखिए होम रूल मूवमेंट क्वेश्चन क्या बना देता है, क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि इसको आपको क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। क्रोनोलॉजी इसी बार के पेपर में बीपीएससी में 2023 में क्वेश्चन आया था, होम रूल मूवमेंट दे दिया, ठीक है, इसके बाद दे दिया साल्ट सत्याग्रह दे दिया, गांधी इरविन पैक्ट दे दिया, सूरत स्प्लिट दे दिया, और फिर इसको क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए बोल दिया। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाता है। तो आपको ईयर याद रखना पड़ेगा कि 1915-16 में आया होम रूल, बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल मूवमेंट की स्थापना किए, होम रूल लीग की। एनी बेसेंट स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया, इसके बाद एनी बेसेंट ने संभाला इसको, और 1916 में सेप्टेम्बर में इंडिया में इन्होंने फिर बाकी दूसरे पार्ट में होम रूल लीग जो है वो लेके गए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक इसमें बहुत दिल से सहयोग कर रहे थे और इसमें साथ दे रहे थे एनी बेसेंट का, दोनों मिलके। और ये लोग जो है मुस्लिम लीग को परसुएट भी कर रहे थे कि मिलके लड़ते हैं भैया, अलग अलग नहीं, मिलके, और देश के लिए लड़ते हैं, अपने धर्म या अपने कौम के लिए नहीं। देश से बढ़ के धर्म नहीं है, देश से बढ़ के कौम नहीं है। इन 1920 ऑल इंडिया होम रूल लीग चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वराज सभा, पहला क्वेश्चन। दूसरा बनेगा कि कब होम ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज किया गया स्वराज सभा में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1920। देखिए लूसेंट में चीजें जो है पॉइंट वाइज नहीं दे रखी है, पैराग्राफ वाइज दे रखी है, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, है फैक्चुअल डेटा ही दिया हुआ है, तो फैक्ट्स उसमें बहुत सारे बन सकते हैं, तो उनको निकाल निकाल के हमको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल दिया गया स्वराज सभा में, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ना पड़ेगा आगे। देखिए अगला क्या है, इसके बाद है लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट 1916 में। अब फिर क्या हो गया, 9 साल के बाद फिर से ऐसा मौका आया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो दिखी, लखनऊ पैक्ट 1916 में। एंटी ब्रिटिश फीलिंग वेर जनरेटेड अमंग मुस्लिम फॉलोइंग अ वार बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की। हुआ ये कि टर्की में जो टर्की के साथ जब वार कर लिया ब्रिटेन ने, तो लगा मुस्लिमों को कि ये क्या चल क्या रहा है, ये एक तरफ तो मुसलमान का साथ दे रही है यहाँ पे ब्रिटिशर्स, लेकिन दूसरी तरफ टर्की में लड़ाई कर रही है, ठीक है। और टर्की में मुसलमान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान जो होते हैं, जो जिनको मुस्लिम का हेड माना जाता है, तो इसलिए जब टर्की के साथ मुस्लिम ने लड़ाई कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ा अटैक मुस्लिमों पे माना गया ब्रिटिशर्स का कि वो गेम खेल रहे हैं। एक्चुअल में तो वो खेल ही रहे थे, पर इस बात का एहसास उनको तभी जाके हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग से एक सेशन 1916 का लखनऊ का सेशन जो हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सूरत स्प्लिट जो हो गया था वो भी, ठीक है, सूरत स्प्लिट भी खत्म हो गया, और इसके बाद जो है द कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड बोथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंट डोमिनियन स्टेटस, जो है इसकी मांग दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर डोमिनियन स्टेटस की मांग कर दी, ठीक है, 1916। और इसी में महात्मा गांधी भी प्रेजेंट थे, हालांकि वो पार्ट नहीं लिए थे इसमें, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ उस समय इंडिया जस्ट आए ही थे, तो बस ऐसे ही वो बैठे हुए थे उस सेशन में। और यहीं पे जो है बिहार के राजकुमार शुक्ला जी जो है गांधी जी से मिले थे, और उनको बताया था कि भैया थोड़ा बिहार चलिए, और यहाँ पे नौटंकी चल रही है, तिनकटिया सिस्टम, थोड़ा अपना उसमें योगदान करिए और हमको इससे मुक्ति दिलाइए, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी अलार्म द ब्रिटिश एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू अनाउंस इट्स फ्यूचर पॉलिसी। 1916 ब्रिटिश पॉलिसी वाज अनाउंस्ड वेयर बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट इंक्रीज एंड देयर वाज टू बी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी थोड़ी सी बढ़ गई, और सूरत स्प्लिट भी जो हुआ था वो भी ठीक हो गया, और इंडियन गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो अब धीरे धीरे भारतीय लोगों के पास जाने लग गया, क्लियर है। जो ब्रिटिशर्स लोगों का कंट्रोल था वो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया। दिस वाज द रिजल्ट। अब ये रिजल्ट क्यों ऐसा हुआ, लखनऊ पैक्ट की वजह से। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि लखनऊ पैक्ट कब आया, तो ध्यान रखिएगा कि लखनऊ पैक्ट आया था लखनऊ सेशन में 1916 में, ये डेट याद रखना है, 1916 लखनऊ से आपको लिंक करके याद रखना है। इसके बाद है इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंपॉर्टेंट थे, कौन से थे और क्या क्या रिजल्ट आया था, फाउंडर कौन था, ये सब चीज देख लेते हैं। एक है व्यायाम मंडल, पुणे में हुआ था 1896-97 में, ये चापेकर ब्रदर्स ने किया था। मित्र मेला नासिक में आया था, मित्र मेला 1901 में सावरकर ब्रदर ने किया था मित्र मेला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बाद में, फिर ये पुणे में हो गया। इसके बाद अनुशीलन समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिदनापुर में 1902 में प्रामथनाथ मित्र। इसके बाद है अभिनव भारत, ये पुणे में आया था 1904 में, और विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर इसने इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद है स्वदेश बांधव वरिसाल 1905, अश्विनी कुमार दत्ता ये इसको किए थे। इसके बाद अनुशीलन समिति डाका, देखिए ये मिदनापुर में था 1902, अगर डाका रहे तो ये 1907 में पुलिन बिहारी दास ने इसको एस्टेब्लिश किया था। भारत माता सोसाइटी पंजाब में 1907 में अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता जाऊंगा कि इनको तो आपको याद रखना है जो पेपर में आता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको सुभाष चंद्र बोस से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो नहीं है, इसका आंसर क्या है, सचिंद्रनाथ सान्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद भारत नौजवान सभा, ये लाहौर में 1926 में, और ये किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। एचआरए में
मैंने सुभाष चंद्र बोस कह दिया, ये भगत सिंह से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये एचआरए के मेंबर थे भगत सिंह, लेकिन फाउंड किसने किया था, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए, तो ये किसने स्टार्ट किया था 1928 में, चंद्रशेखर आजाद ने। तो एचआरए और एचएसआरए में अंतर है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ। इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस अब्रॉड, तो इंडिया के बाहर जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया के बाहर जो थे वो कौन से थे, इंडियन होम रूल लुक सोसाइटी, ये लंदन में 1904 में श्यामजी कृष्णा वर्मा इन्होंने फाउंड किया था। अभिनव भारत लंदन में, और ये वीडी सावरकर ने किया था। इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया में 1907 में तारकनाथ दास ने किया था। इसके बाद गदर पार्टी, ये सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बर्लिन में लाला हरदयाल एंड वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय इन दोनों ने मिलकर किया था 1914 में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, इसमें और कुछ होगा देखते हैं, नीचे करते हैं, बस इतना ही, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ये काबुल में हुआ था 1915 में, राजा महेंद्र प्रताप। ये सब एक क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी, आंसर क्या हो जाएगा 1914 में बर्लिन में जर्मनी में, ठीक है। इसके बाद रिवोल्यूशनरी इवेंट कौन कौन से हुए थे, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है एक, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए पहला है मर्डर ऑफ रैंड एंड आर्मरेस्ट, प्लेग कमिश्नर्स थे ये दोनों, और इनको प्लेग जो हो गया था वहां पे पूना में, इसके लिए इनको बुलाया गया था, ठीक है। तो ये देखिए किसने मारा था इनको, चापेकर ब्रदर्स और दामोदर बालकृष्ण ने, पूना में हुआ था, ठीक है। इसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर किंग्सफोर्ड, एक जज था और इस जज को मारने के बाद जो है मुजफ्फरपुर 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन दोनों ने अटेम्प्ट किया था, हालांकि मार नहीं पाया था, किसी और की हत्या हो गई थी गलती से, कोई एक लेडी मर गई थी। इसी के बाद जो है तिलक को जेल हो गया था, जो मैं बताया था ना 6 साल का जो जेल हुआ था, ये इसी के बाद हुआ था। मनी कातला कलकत्ता एंड अलीपुर बॉर्न, तो ये अलीपुर बॉर्न कॉन्स्पिरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ये हुआ था 1908 कैलकटा, ठीक है। और अरविंदो घोष इसमें इंपॉर्टेंट लीडर थे, जो इन्वॉल्व थे, अक्यूज्ड थे। मर्डर ऑफ जैक्सन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की हत्या हो गई थी, बताइए नासिक में, अनंत करकरे इसने मारा था, अनंत करकरे ने। और मर्डर ऑफ कर्जन विली, ये लंदन में हुआ था 1909, मदन लाल ढिंगरा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है लंदन जाके कोई अगर मार दे सोचो कितनी बड़ी बात होगी उस टाइम में, वो भी 1909 में, किसने मारा था, मदन लाल ढिंगरा ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और भी चीजें देख लेते हैं, ये सब हो गया। इसके बाद है अटेम्प्ट टू मर्डर हर्डिंगे, दिल्ली में रासबिहारी बोस, हर्डिंग वायसराय था दिल्ली बॉम्ब केस, इसमें दिल्ली में रासबिहारी बोस और बसंत कुमार एक्यूज थे। फिर काकोरी ट्रेन डकैती केस, काकोरी से बहुत सारे लोग थे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और भी कई लोग थे इसमें, 1925 में हुआ था, ठीक है, अरुणा आसिफ अली। इसके बाद है मर्डर ऑफ सॉन्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर में भगत सिंह 1928, ये बदला लिया गया था लाला लाजपत राय के मृत्यु के बाद, ठीक है। असेंबली बॉम्ब केस, ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दास ने जो है 1929 में असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था, तो ये उसका है दिल्ली में। इसके बाद चिटागोंग आर्मनी डकैती, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिटागोंग, ये 1930 में सूर्यसेन इसमें इन्वॉल्व थे, चिटागोंग सूर्यसेन, ठीक है। इसके बाद मर्डर ऑफ माइकल ओ डायर लंदन में 1940 में, ये काफी लेट हुआ था, उधम सिंह 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ये उसका बदला 1940 में उधम सिंह ने जाके लंदन में ओ डायर को मार के लिया था। क्वेश्चन में आर डायर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा आर डायर नहीं, ये जिसने ऑर्डर दिया था, माइकल ओ डायर ये जिसने गोली चलवाया था, इसने इसको ऑर्डर दिया था आर डायर को, ओ डायर ने आर डायर को ऑर्डर दिया था कि जाओ और फायर कर दो, ठीक है। तो ये स्पॉट पे था आर डायर, ये तो घर में बैठ के एसी में तमाकू खा रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद है महात्मा गांधी और गांधी एरा, तो गांधी एरा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अभी स्टूडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में गांधी जी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन गांधी जी के ऊपर बना दे एग्जामिनर और आप ना कर पाओ तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।